महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के लिए शनिवार को शाम 5 बजे प्रचार प्रसार बंद हो गया। प्रदेश में लोकसभा की 11 सीटों पर सोमवार को मतदान होगा। वही वोटिंग से पहले प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा हुआ है। राजनीतिक दल के नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक इंटरव्यू में एनसीपी के प्रमुख शरद पवार को विलय वाले बयान और एनसीपी में टूट के साथ मनसे प्रमुख राज ठाकरे के एनडीए में शामिल होने को लेकर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शरद पवार के छोटे दलों के कांग्रेस में विलय वाले बयान की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आश्चर्य होता है कि वो कहते हैं कि भविष्य में छोटे दलों को कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए। क्या इससे बारामती के चुनाव के संबंध में कुछ संकेत मिल रहे हैं, या जिस तरीके से पूरा राज्य मतदान कर रहा है, क्या इसे देखकर उन्हें नैराश्य आ गया है? नहीं तो जिस शरद पवार ने कांग्रेस को छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाई, वही शरद पवार अब फिर से कांग्रेस में विलीन होने की बात क्यों कर रहे है?